आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। जी हाँ, आपने तो वैसे एक कहावत सुनी ही होगी, तीन तिगारा काम बिगाड़ा। वहीं आपको बता दें कि ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर तीन की जोड़ियाँ दिखी हैं जो कि काम नहीं बिगाड़ती बल्कि इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहली फिल्म आती है इस लिस्ट में हेरा फेरी। जी हाँ, हेरा फेरी का लगभग दो सीक्वल आ चुका है और इस फिल्म में परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार नजर आए थे। ये फिल्म सक्सेसफुल रही थी, यहाँ तक कि इस फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार सभी को है। माना जा रहा है कि इस फिल्म का तीसरा सीजन भी हमें जल्द देखने को मिलेगा। ये हम बात करें आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म दिल चाहता है के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था, जहाँ ये फिल्म दोस्ती पर बेस्ड थी। आपको बता दें कि इस फिल्म ने काफी अच्छा कमाल किया था। वहीं हम बात करें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बारे में। जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की जोड़ी हमें देखने को मिली थी। वैसे आपको बता दें कि ये भी फिल्म दोस्ती पर ही बेस्ड थी और ऑडियंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस फिल्म का दूसरा सीक्वल हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें थ्री इडियट्स। जी हाँ, आपको बता दें कि थ्री इडियट्स में हमें राजू, फरहान और रैंचो की जोड़ी काफी पसंद की गई थी, जिसमें आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी नजर आए थे। आपको बता दें कि इस फिल्म ने सभी का दिल छू लिया था। ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट की थी। वैसे आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।